नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल होंगे। जी हाँ, तो आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में, आपके दिनचर्या के बारे में और आपके लव लाइफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आधा अधूरा देखकर मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं और आपके जीवन पूरी तरह से दोस्तों बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से आपकी जिंदगी के लिए खास चीजें होने वाली हैं। तो इस राशि वालों, वीडियो को मिस ना करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। जी हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए, आपकी राशि के लिए और आपके भविष्यवाणी के लिए दोस्तों बता दें कि हो जाओ तैयार। या लड़की आपके घर आएगी, आपकी दुल्हन बनेगी और नाम पता हर एक चीज दोस्तों जान लो इस वीडियो में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुने हैं, बिल्कुल ही सत्य सुने हैं और पूरी तरह से भाग्य का साथ ही दोस्तों मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से आपके जीवन में खुशी ही खुशी आने वाले है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि आपके प्रति बहुत ही ज्यादा खास चीजें होने वाली हैं। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होने वाले हैं। तो इस राशि वालों, आज की इस राशि फल के माध्यम से, आपके लव लाइफ के माध्यम से हर एक एक चीज बताएंगे। आज का दिन कैसा रहेगा आपके जीवन में, कैसा वृद्धि होगा, संपूर्ण रूप से आपको ये चीजें कहने वाली हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वह संपूर्ण रूप से बातें हम दोस्तों करने वाले हैं, संपूर्ण रूप से बातें आपको हम सुनाने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, तो आधा अधूरा देखकर वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए पूरा जीवन दोस्तों खास होने वाले हैं। आपकी जिंदगी में यह आने वाले हैं और आपको चमत्कार ही चमत्कार देने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को, प्रारंभ करते हैं वीडियो को और आपको जानकारियां विस्तार से बताने का कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जिंदगी अगर आपको कोई सता रहा है, जिंदगी में अगर आपको कोई सता रहा है, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है किसी के चलते, तो दोस्तों उनको आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ ही देना अच्छा होता है। अगर आपसे हद से ज्यादा अगर कोई प्यार करे, हद से ज्यादा जदा आपके जीवन में कोई दोस्तों आपको चाहे, तो उनको आप दोस्तों अपनी जिंदगी में उतार सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों का प्रेम मिलन हो रहा है इस समय, ऐसे में इस समय आपका स्थिति जैसे भी चल रही हो, चाहे समय आपका बुरा हो, चाहे अच्छा हो, या चाहे कुछ भी चल रही हो दोस्तों, आपके समय में परिवर्तन होगा। आपकी जिंदगी में सुखद समय का आगमन होगा और आपके नहीं बल्कि इस लड़की के जीवन में होंगे और आप दोनों का भाग्य इस समय जुड़ते ही आप दोनों का जीवन बेहतर होता जाएगा और दोस्तों काफी सुखों का आगमन होगा। जीवन आपकी दोस्तों जिस चीज में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप समर्पित हैं दोस्तों, उस लक्ष्य तक आप जीवन में पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और लक्ष्य प्राप्ति करते समय आपको एक बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा। वह किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं
तो वीडियो कोडोर दोस्तों आप थोड़ा सा भी मिस ना करें, थोड़ा सा भी दोस्तों आप स्किप ना करें, आपका पूरा भाग्य ही बदल जाएगा, पूरा जीवन ही बदल जाएगा और आपको एक से एक बढ़कर खुशखबरी आना चालू हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, एक से बढ़कर आपके जीवन में चमत्कार आना चालू हो जाएगा और किसी भी तरह के परेशानियां देखने कोडोट मिलेगा ही नहीं। किसी भी तरह के जीवन में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको आज की इस खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में बात यह है कि दोस्तों कहते हैं कोई अगर आपके प्यार में पढ़ते हैं, कोई अगर आपकी जिंदगी में आते हैं, तो एक बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखना दोस्तों, वो आपके पीछे जो है किस चीज के लिए आते हैं, आपका धन दौलत की वजह से या फिर आपके दोस्तों प्यार की वजह से, यह बातें आप जरूर दोस्तों सोचना आजमाना। अगर यह बातें आप नहीं सोचते हैं तो आपको एक ना एक दिन काफी तरह तरह की परेशानियां दोस्तों करना पड़ सकता है। काफी तरह तरह की जीवन में दिक्कत आपको देखना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको आज आप जानबूझकर दोस्तों अगर किसी के पीछे पढ़ोगे, किसी के लिए पढ़ोगे, तो याद रखना आप एक ना एक दिन उसी दोस्तों चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा पछताना आपको चालू हो जाएगा। उसी चीज को लेकर आपको जीवन में दिक्कत का होना चालू हो जाएगा और इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों दिक्कत आने शुरू हो जाएंगे कि आपने भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे और बताएंगे आपको क्या है इस वीडियो की पूरी सच्चाई, क्या है इस वीडियो की पूरी चीजें आपको संपूर्ण रूप से। दोस्तों आज हम बातें कहने वाले हैं, आज हम बातें बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक से एक बढ़कर खुशखबरी दोस्तों बताएंगे, सुनाएंगे और जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा दोस्तों झूठ नहीं कहेंगे। जी हाँ मित्रों, और आपको खुशी ही खुशी दोस्तों संपूर्ण रूप से बढ़ने वाली है। संपूर्ण रूप से दोस्तों खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपको इतनी बड़ी दोस्तों चाहत होंगे, इतनी बड़ी खुशी होंगे कि आपने भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ मित्रों, और आपको आज के इस राशिफल के माध्यम से, आज के इस लव राशिफल के माध्यम से पूरी तरह से खास चीजें हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह महिला वह कन्या तो आपको अपना बनाने के लिए मानो पूरी तरह से उत्साहित है, आपको दोस्तों अपना बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है और इस कदर आपके प्रति आकर्षित होगी और आपके प्यार की शुरुआत करके ही मानेगी और वह लड़की आपसे प्रेम संबंध स्थापित करेगी तो आपकी जिंदगी संवार देगी और आपके सपनों को पूरा करेगी। जी हाँ यह लड़की दोस्तों, इनका नाम क्या है दोस्तों बता दें कि इनका नाम RSTLC से शुरू होने वाले हैं। इनमें से कोई भी एक स्त्रियां आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास बन सकते हैं। और मित्रों बता दें कि आप कैसे इन्हें पहचानोगे, कहां पर पहचानोगे और आपकी जिंदगी में कैसे आएंगे। जी हाँ, और संपूर्ण रूप से बातें हम आपको कहने वाले हैं, बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज इस वीडियो में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपको खुशी का आगमन दोस्तों आने वाले हैं, छाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और प्यार के रिश्ते में ये जुड़ने वाली है और आप इन्हें दोस्तों रिश्ते में जुड़ सकते हैं। आपके लिए दोस्तों अत्यंत ही लाभदायक होगी और आशा करता हूँ आप काफी अच्छी तरह से दोस्तों या बातें समझ में आ गई होंगे। मित्रों अब आपको कुछ अनमोल वाणी बताने वाले हैं, अनमोल वाणी को आप जरा ध्यान से समझिए, इन बातों से हम
सभी को जीवन काल बहुत ही अच्छा सीखने को नोट मिलेगी। तो दोस्तों, जीवन में ज्यादा रिश्ता होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन सा हाथ छोड़कर दोस्तों भागता है और कौन सा हाथ पकड़ सकता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जी हाँ, अगर आपकी जिंदगी में दोस्तों समस्या आती है, परेशानियां आती है, तो आप उन चीजों को देखकर दोस्तों दिक्कत आपको जीवन में ना पड़े, या हम आपको कहता हूँ जिंदगी में आपको दिक्कत ना पड़े, मैं आपको कहता हूँ। और आपको कभी भी दोस्तों ये चीजों का दिक्कत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं आज खास बातें आपको लिखकर कहता हूँ, खास चीजें आपको लिखकर कहता हूँ। जी हाँ मित्रों, यह बात जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। यह बात जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं और आपका जिंदगी पूरी तरह से ही दोस्तों बदल जाएगी। पूरी तरह से आपको भाग्य का साथ दोस्तों मिलेगा और एक से एक बढ़कर खुशी का ठिकाना आपके पास रहेगा ही नहीं। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल ही सत्य सुने हो, बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। और आपको इस वीडियो में जो भी हम बताए हैं दोस्तों, वह सत्य बातें हैं, सत्य चीजें हैं। आपका जिंदगी थोड़ी दोस्तों क्या पूरी तरह से बदल कर रह जाएगी, पूरी तरह से आपकी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार देगी। और यह जो लड़की है आपकी जिंदगी में बहुत जल्द दोस्तों आने वाली है, बहुत जल्द छाने वाली है। और आपका भाग्य का हर एक एक साथ दोस्तों देने वाली है, हर एक सपना आपके जीवन में उतरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सत्य सुने हो, बिल्कुल ही सही सुने हो। जी हाँ, और आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। गतिविधियों पर नजर रखें, परिवार और प्यारे दोस्तों का सहयोग इस समय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनसे सलाह ले। भगवान पर भरोसा रखना भी जरूरी है, क्योंकि वे हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं। इन गद्दारों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे, इसलिए इन गद्दारों का पर्दाफाश करें और उचित कदम उठाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्थिति सुधर सके। आप अपने आसपास के लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर यह लोग आपको कह दें कि यह जहर नहीं बल्कि मिठाई है, तो आप उनकी बात मानकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वास्तव में वह जहर हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने आपके खिलाफ काले जादू और टोने टोटके करवा रखे हैं। आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इनके प्रभाव में हैं। आपको जल्द ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोग अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वे आपके साथ एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। मैं उनके नाम और पहचान आपके साथ साझा करूंगा, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा ध्यान पूर्वक देखें। अगर आप अभी तक इन गद्दारों का नाम नहीं जानते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि की बहुत देर हो सकती है। कृपया मूर्खता वाले कार्य ना करें और ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली जरूर लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अब जानते हैं कि वह कौन तीन दुश्मन हैं जो आपके साथ रहते हैं और आपकी थाली में ही छेद कर रहे हैं। मैं रोजाना इतनी मेहनत करता हूं और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम लाता हूं, इसलिए कृपया ज्योतिष
कार्यक्रम को लाइक करना ना भूले। आइए माता जी का नाम लेकर इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपकी एक कमजोरी यह है कि आप भविष्य की चिंता में अपने आज को भुला देते हैं। आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि भविष्य तभी अच्छा होगा जब आपका आज अच्छा होगा। अगर आप आज खुश हैं तो भविष्य भी खुशनुमा होगा। आप बीते हुए कल को लेकर परेशान होते हैं, चाहे आपने कुछ खोया हो या कोई कठिनाई ली हो, लेकिन जीवन तब सार्थक होगा जब आप वर्तमान क्षण का आनंद लेंगे। जीवन बीते हुए कल में नहीं है और ना ही आने वाले कल में, बल्कि वर्तमान क्षण में है। अगर आज आप एक झोपड़ी में हैं, तो भी खुशी से रहिए, क्योंकि महलों में रहने वाले भी अपने दुखों से ग्रस्त हो सकते हैं। जीवन इसी क्षण में है, इसलिए इसे पूरी तरह जिए। कल की चिंता छोड़कर आज को जिए, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं। अब चलिए ज्योतिष कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए। जब बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने आपके बारे में देखा तो उन्होंने भी हैरानी जताई। आपके सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं, जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके घर की छोटी से छोटी चीज से लेकर आपके घर के लोगों की गतिविधियों तक इनकी निगाहें 24 घंटे आपके घर पर रहती हैं। जब भी लोगों को मौका मिलता है, वे अपनी चाल चल देते हैं। वे आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवा रहे हैं। इन दुश्मनों कोड़ोट आपकी तरक्की से जलन है और वे आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके घर में पहले से ही इनके प्रभाव में हैं और अब वे आपके घर पर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, जिसके कारण आपके घर के लोग इनके कब्जे में आ चुके हैं। आपका दुश्मन जो भी कहता है, आपके घर के लोग उसकी बात मानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। या दुश्मन आपके आसपास ही है, वह आपकी थाली में ही बैठता है और उसी थाली में छेद कर रहा है। आपकी कुंडली और सितारों के आधार पर मैं अब आपके सबसे बड़े 3 दुश्मनों के नाम बताऊंगा। पहले दुश्मन का नाम सुनकर आपको बड़ा धक्का लगेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वह सच है। आपको सलाह है कि इन दुश्मनों से तुरंत संबंध तोड़ ले, चाहे यह आपका सगा भाई हो या बहन। रिश्ते की गहराई कोई कोई मायने नहीं रखती, आपको इनसे नाता तोड़ना होगा। अब आपके दुश्मनों के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक दुश्मन आपके घर में ही रहता है और बाकी 2 दुश्मन आपके करीबी रिश्तेदार हैं। आपने इन पर पूरी तरह से भरोसा किया है और इनसे आपकी गहरी जान पहचान है। आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में दुश्मनी बहुत कम है और आपके दुश्मन भी आपके अपने ही हैं। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। आपके साथ कोई लड़ी झगड़ा नहीं हुआ है। यह दुश्मन आपकी आदतों और आपके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में एक ऐसा घटना घटित होने वाला है जिसे सुनकर आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, पूरा शरीर आपका थर थर कांपने लगेगा। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, यह घटना आपका जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, घबराने वाली को कोई बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह जो घटना आपके साथ होने वाला है, यह घटना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। यह घटना आपका जिंदगी बदल कर रख देगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज का यह घटना आपके लिए इतना शुभ और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, अगले 24 घंटे
के अंदर आपके घर में एक अद्भुत शक्ति का चरण पड़ने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 24 घंटे के अंदर एक देवता का चरण आपके घर आंगन में पड़ने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, यह जो देवता आपके घर में अगले 24 घंटे के अंदर प्रवेश करने वाले, यह देवता पिछले 7 सालों से आपके घर परिवार के ऊपर नजर बनाए रखे और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं हुआ है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस देवता ने आपको हर एक परेशानी से बाहर निकाला है। इस देवता ने आपका बहुत साथ दिया है, इसीलिए आप और आपका परिवार है सही सलामत है। वरना प्यारे दोस्तों, आपका घर परिवार उजड़ गया रहता है, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका घर कोड़ोट बर्बाद करने के लिए एक तांत्रिक बाबा ने जादू टोना किया था। आपका घर में आग लगाने के लिए आपका दुश्मन ने तांत्रिक बाबा से मिलकर यह जादू टोना करवाया था, लेकिन इस देवता के कारण आपका दुश्मन का मंसूबा पूरा नहीं हो पा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं रहता, अगर यह देवता आपको इस माया जाल से नहीं बचता, तो आज आपका पूरी तरह से जीवन बिखर गया रहता, आपका परिवार रोड पर भी मांग रहा था और आप भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। प्यारे दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो आपके ऊपर इस देवता का कृपा बना हुआ है, जो आपके ऊपर इस देव का आशीर्वाद बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, इस देवता का आशीर्वाद जब तक आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जब तक इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा यही सोचता है कि आपको किस तरह से गड्ढे में धकेल के गिराया जाए, किस तरह से आपको परेशानी में डाल दिया जाए, और इसीलिए आपका दुश्मन हमेशा किसी ना किसी तांत्रिक बाबा से मिलते रहता है और आपके घर परिवार के ऊपर जादू टोना करवाते रहता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा करके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परंतु प्यारे दोस्तों, अगर आप दुश्मन से थोड़ा सावधान रहते हैं, थोड़ा सा तर्क रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप इस नाम का व्यक्ति से रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इसी नाम का व्यक्ति से आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिलता है। यह व्यक्ति हमेशा आपकी सफलता में टांग अड़ता है, इसीलिए प्यारे दोस्तों, इस नाम के व्यक्ति से आपको दूरी बना लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं, इस नाम का जो दुश्मन है, कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप इस नाम के व्यक्ति को अच्छे से जानते है, इस नाम का व्यक्ति आपका पड़ोसी ही। यह देवता पिछले 7 सालों से आपके घर परिवार के ऊपर नजर बनाए रखे और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं हुआ है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस देवता ने आपको हर एक परेशानी से बाहर निकाला है। इस देवता ने आपका बहुत साथ दिया है, इसीलिए आप और आपका परिवार है सही सलामत है। वरना प्यारे दोस्तों, आपका घर परिवार उजड़ गया रहता है, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका घर कोड़ोट बर्बाद करने के लिए एक तांत्रिक बाबा ने जादू टोना किया था। आपका घर में आग लगाने
के लिए आपका दुश्मन ने तांत्रिक बाबा से मिलकर यह जादू टोना करवाया था, लेकिन इस देवता के कारण आपका दुश्मन का मंसूबा पूरा नहीं हो पा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं रहता, अगर यह देवता आपको इस माया जाल से नहीं बचता, तो आज आपका पूरी तरह से जीवन बिखर गया रहता। आपका परिवार रोड पर भी मांग रहा था और आप भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। प्यारे दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर इस देवता का कृपा बना हुआ है, जो आपके ऊपर इस देव का आशीर्वाद बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, इस देवता का आशीर्वाद जब तक आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जब तक इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा यही सोचता है कि आपको किस तरह से गड्ढे में धकेल के गिराया जाए, किस तरह से आपको परेशानी में डाल दिया जाए, और इसीलिए आपका दुश्मन हमेशा किसी ना किसी तांत्रिक बाबा से मिलते रहता है और आपके घर परिवार के ऊपर जादू टोना करवाते रहता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा करके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परंतु प्यारे दोस्तों, अगर आप दुश्मन से थोड़ा सावधान रहते हैं, थोड़ा सा तर्क रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप इस नाम का व्यक्ति से रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, इसी नाम का व्यक्ति से आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिलता है। यह व्यक्ति हमेशा आपकी सफलता में टांग अड़ता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, इस नाम के व्यक्ति से आपको दूरी बना लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं, इस नाम का जो दुश्मन है, कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप इस नाम के व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं। इस नाम का व्यक्ति आपका पड़ोसी ही। हमारे घर में रखी नकारात्मक वस्तुएं हो सकती हैं, जो गरीबी और तंगहाली का कारण बनती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको तुरंत अपने घर से निकाल देना चाहिए। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। हम जानते हैं कि निर्जीव वस्तु में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। इन वस्तुओं को घर में रखने से दुर्भाग्य, गरीबी और तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको 10 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वस्तु आपके घर में हो, तो उसे तुरंत हटा दे, ताकि आपके घर में समृद्धि और लक्ष्मी का वास हो सके। चलिए ज्योतिष कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। पहली चीज है पुराने या फटे हुए कपड़े। फटे पुराने कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें दान कर देना सबसे अच्छा होता है। अगर आपके घर में पुरानी या फटी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि कपड़े, तो इन्हें किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहिए या इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा ना करने पर यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ऐसी वस्तुओं को पोटली में बांधकर रखना उचित नहीं है। दूसरी बात, देवी देवताओं की पुरानी या फटी तस्वीरें और मूर्तियां भी घर में ना रखें। अगर किसी देवी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गए हैं, तो उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पुरानी तस्वीरों और मूर्तियों को डोट रखने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। मूर्ति और चित्र को एक ही स्थान पर और सही संख्या में रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष कम होगा।
इसके अलावा घर की छत पर अगर गंदगी या फालतू सामान पड़ा हो तो इसे तुरंत साफ करना चाहिए। छत पर गंदगी होने से पैसों की तंगी और परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। कई लोग देवी देवताओं के पास से तांबे की वस्तुएं या अंगूठियां ले आते हैं और उन्हें घर में इधर उधर रख देते हैं, लेकिन इनका बिना सही जानकारी के उपयोग से नुकसान हो सकता है, इसलिए इन वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना उचित रहेगा। यदि आपके पास तांबे की कोई वस्तु है जिसे आप गले में नहीं पहनते और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना उचित होगा। अब पांचवी बात पर आते हैं। घर में टूटी फूटी वस्तुएं रखने से भाग्य पर असर पड़ता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, यदि वह टूटी फू या गैर जरूरी है तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। इन वस्तुओं की वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे लक्ष्मी हमारे घर में रखी नकारात्मक वस्तुएं हो सकती हैं, जो गरीबी और तंगहाली का कारण बनती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको तुरंत अपने घर से निकाल देना चाहिए। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। हम जानते हैं कि निर्जीव वस्तु में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। इन वस्तुओं को घर में रखने से दुर्भाग्य, गरीबी और तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको 10 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वस्तु आपके घर में हो तो उसे तुरंत हटा दें, ताकि आपके घर में समृद्धि और लक्ष्मी का वास हो सके। चलिए ज्योतिष कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। पहली चीज है पुराने या फटे हुए कपड़े। फटे पुराने कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें दान कर देना सबसे अच्छा होता है। अगर आपके घर में पुरानी या फटी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि कपड़े, तो इन्हें किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहिए या इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा ना करने पर यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ऐसी वस्तुओं को पोटली में बांध कर रखना उचित नहीं है। दूसरी बात, देवी देवताओं की पुरानी या फटी तस्वीरें और मूर्तियां भी घर में ना रखें। अगर किसी देवी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गए हैं तो उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पुरानी तस्वीरों और मूर्तियों को डोट रखने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। मूर्ति और चित्र को एक ही स्थान पर और सही संख्या में रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष कम होगा। इसके अलावा घर की छत पर अगर गंदगी या फालतू सामान पड़ा हो तो इसे तुरंत साफ करना चाहिए। छत पर गंदगी होने से पैसों की तंगी और परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। कई लोग देवी देवताओं के पास से तांबे की वस्तुएं या अंगूठियां ले आते हैं और उन्हें घर में इधर उधर रख देते हैं, लेकिन इनका बिना सही जानकारी के उपयोग से नुकसान हो सकता है, इसलिए इन वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना उचित रहेगा। यदि आपके पास तांबे की कोई वस्तु है जिसे आप गले में नहीं पहनते और उसका उपयोग नहीं कर रहे है, तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना उचित होगा। अब पांचवी बात पर आते हैं। घर में टूटी फूटी वस्तुएं रखने से भाग्य पर असर पड़ता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, यदि वह टूटी फू या गैर जरूरी है तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। इन वस्तुओं की वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे लक्ष्मी ग्रह मंगल ने अब आपकी कुंडली में प्रवेश किया है और लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब आपको मेहनत का फल मिलेगा। भगवान शनिदेव जो कर्म फल देता है, अब आपके जीवन
में बदलाव लाएंगे गीता में भी कहा गया है कि मेहनत करो फल की चिंता मत करो भगवान, शनिदेव ही सही न्याय करेंगे अगर आप सही रास्ते पर हैं और फिर भी कुछ गलत होता है तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप सब कुछ देखते हैं कृपया न्याय करें। अगर आपको ज्योतिष कार्यक्रम पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय शनिदेव जी लिखें। अगर शनिदेव जी प्रसन्न हो गए तो उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पिछले 5 सालों से अगर आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव नहीं आया है और आप जो भी प्रयास करते हैं उसका उल्टा परिणाम मिलता है तो इसका कारण आपके कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह होता है उनके जीवन में अक्सर तनाव व अशांति और क्रोध की समस्याएं बनी रहती हैं। अगर आप शराब का सेवन करते हैं या किसी जीव की हत्या करके भोजन बनाते हैं तो आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए आप भैरव बाबा को शराब चढ़ा सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं या घर में काले तिल रख सकते हैं। इससे शनि ग्रह का प्रभाव कम हो सकता है। अब चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे के राशिफल की जानकारी ले हैं। अगले 24 घंटों में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या कामयाबी प्राप्त होगी और किन बदलावों की संभावना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। आप आज सच्चे और ईमान लोगों से मिलना पसंद करेंगे लेकिन आज आपको ऐसे लोगों से भी सामना हो सकता है जो अपनी असलियत छिपाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें और किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ ले। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि आप भावनात्मक रूप से खुश और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह दिन सकारात्मकता से भरा रहेगा और कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए अच्छा समय है। आपके निजी संबंध में आपके पार्टनर की खुशी और हंसी का असर आपके मन पर भी अच्छा पड़ेगा। कठिन समय के बाद आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। हालांकि कार्यस्थल पर आपको कुछ मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए धैर्य रखें और अपने सहकर्मियों के साथ समझदारी से पेश आए ताकि मनोबल पर नकारात्मक असर ना पड़े। आपकी प्रवृत्तियां आज बहुत सक्रिय रहेंगी और आपको अपनी ईटन पर ध्यान देना चाहिए भले ही दूसरों की राय अलग हो। अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। आप बाहरी तौर पर शांत दिख सकते हैं लेकिन अंदर से भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम का लेखा पत्थर का लकीर होता है इसलिए प्यारे दोस्तों प्रभु श्री राम का लिखा कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, इस आपको बता दें अगले 24 घंटे के अंदर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ी घटना होने वाला है सुनकर आपको पूरा शरीर कांपने लगेगा तथा आपका नींद और चैन दोनों उड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस आपको बता दें इतना बड़ा खुशखबरी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है क्योंकि प्यारे दोस्तों प्रभु श्री राम जी ने आपका प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम जी ने आपका प्रार्थना स्वीकार कर लिया है इसलिए प्यारे दोस्तों अब आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन
में जो घटना होने वाला है वह घटना कोई ऐसा वैसा घटा नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जो घटना आपके जीवन में होने वाला है उससे आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा और भयंकर चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन में यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगा। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, आपका दुश्मन का अंतिम समय आ चुका है। अब आपका दुश्मन का मनमानी नहीं चलेगा। दुश्मन ने आपके ऊपर बहुत जुल्म कर लिया है, अब और नहीं, अब दुश्मन का बुरा समय शुरू होने वाला है और आपका अच्छा समय की शुरुआत होने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस समय को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत देना, नहीं तो प्यारे दोस्तों जिंदगी भर पछताते रहोगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर होने वाला है, ऐसा संदेश आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, कौन कौन सा बड़ा चमत्कार आपके साथ होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि आपके लिए ऐसा कौन सा शुभ संदेश लेकर आए हैं जिससे आपका जीवन स्वर्ग जैसा होने वाला है। सब कुछ आपको इस ज्योतिष का कार्यक्रम में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें हैं, अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा झटका आपको लगने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने आपके पक्ष में बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और सबसे जरूरी बात, यह बड़ा बदलाव आपके हित में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, बहुत भारी नुकसान होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में कौन कौन सी घटना घटित होने वाला है और कौन कौन सा खुशखबरी आपको मिलेगा, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल अकेले में देखना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, प्रभु श्री राम जी के कृपा से आपको धन दौलत रुपया पैसे गाड़ी बंगला किसी भी चीज की कमी नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना होगा। प्यारे दोस्तों, महा बेवकूफ होगा जो आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को अगर आज शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं देखते हैं तो आप जिंदगी भर रोते रहोगे। प्यारे दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, मैं जो भी बात कहता हूँ सच कहता हूँ, मेरा बात मजाक समझने की भूल मत करना। प्यारे दोस्तों, कलयुग की सारी खुशियां अब आपको मिलने वाला है। कलयुग का राजा आप बनेंगे, ऐसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, अब आपका हर वह सपना सच होने वाला है जिसके लिए आप कभी कल्पना भी नहीं होंगे। कुछ इस प्रकार का आपके लिए
समय का निर्माण हो चुका है प्यारे दोस्तों। अब आपको कलयुग की सारी खुशियां एक झटके में मिलेगा प्यारे दोस्तों। आपको बताते हैं अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशियां आपको मिलने वाला है, ऐसी खुशी 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय कोड़ोट बर्बाद मत करना, इस समय कुछ सही से उपयोग करना प्यारे दोस्तों। आपको बता दें आपका कुंडली में 1-7-3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है प्यारे दोस्तों। आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग, कार्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो चुका है, इसीलिए अब आपका किस्मत का बल्ले बल्ले होने वाला है। अब आप जो चाहेंगे वह चीज एक झटके में हासिल कर लेंगे प्यारे दोस्तों। इस समय अवधि में आप मिट्टी को छुए तो सोना बन जाएगा, ऐसा समय का निर्माण आपके लिए हो चुका है प्यारे दोस्तों। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किए हैं, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेले हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों अब आपको जिंदा करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका जीवन बदलने वाला है। आपका जीवन का सर दुख दर्द समाप्त होने वाला है, आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आज से आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा, 5 बड़े सपने सच होंगे। साथ ही प्यारे दोस्तों यह एक घटना 100% होकर रहेगा प्यारे दोस्तों। आपको बता दे इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है प्यारे दोस्तों। आपको बता दे आपकी जिंदगी सूरज की तरह आप चमकने वाला है, सच्चाई सुनकर आपका दोनों आंखों से खून का आंसू बहेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब किसी व्यक्ति को अचानक उम्मीद से ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति हो जाता है तो उनके आंखों से खुशी का आंसू निकलने लगता है, और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ भी होने वाला है प्यारे दोस्तों। यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई ऐसा वैसा ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है, यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसीलिए मेरा आपसे यही सलाह रहेगा कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को आखिरी तक देखें प्यारे दोस्तों। अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को आखिरी तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए जो महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ, ऐसा महत्वपूर्ण खबर आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी प्यारे दोस्तों। आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं प्यारे दोस्तों। सच्चाई सुनकर आपका दिमाग झंझना उठेगा, जी हाँ मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है प्यारे दोस्तों। आपका यह 5 सपना हर हाल में 24 घंटे के अंदर पूरा होगा, जो आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। साथ ही प्यारे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आपसे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस चैनल का फैमिली बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। आपको बता दें अब आपका किस्मत का पलटवार बहुत भयानक होने वाला है। आपका किस्मत का पलटवार कुछ इस प्रकार होने वाला है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, और आप एक झटके में रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे प्यारे दोस्तों। अब
आपको जो बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, अब आपको जो बड़ी तरक्की की मिलने वाला है, इसे देखकर आपका दुश्मन भी ताली बजाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपका जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी तूफानी खबर अब आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। देवी आपके घर आ रही है। क्या आपने कोई ऐसी गलती की है जिसका सजा आपको देने के लिए आ रही है, या फिर आपका किस्मत चमकने आ रही है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। वह शर्तें आपको ज्योतिष कार्यक्रम पूरा अंत तक देखना होगा। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप धन से मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों यह देवी माँ कोई और नहीं, धन की देवी माता लक्ष्मी है जो आपके घर आ रही है। प्यारे दोस्तों, आपका दुख तकलीफ देखकर, आपका गरीबी देखकर, आपका कंगाली देखकर धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है और अब आपको करोड़पति बनना चाहती है। धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपको करोड़ों का धन संपत्ति देना चाहती है। धन की देव माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपको हर वह खुशियां मिलने वाला है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आपका बाद से बड़ा सपना एक झटके में पूरा हो जाएगा। आपको बताते हैं उस औरत के बारे में जो कि दोस्तों इस समय आपके प्यार में आकर्षित होकर आपसे जुड़ने के भी प्रयास करने वाली है, और आप इनसे जुड़ेंगे तो दोस्तों यह आपको भरपूर प्यार भी देने वाली है। हाँ दोस्तों, इनके साथ में जुड़कर आपको काफी जीवन काल में अच्छा महसूस होगा। आपके जीवन काल को पूरी तरह से भी देंगे और काफी यह लाभ देने वाले है। तो ऐसे में इस औरत के बारे में चलिए आपको बताते हैं और बताते हैं कि आखिरकार यह किस प्रकार से आपकी मदद करेंगे, किस प्रकार से आपको इनसे लाभ होने वाले है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके आसपास में इस समय कोई ऐसी औरत होंगी जो कि आपके प्यार में जुड़ने की प्रयास इस समय करने वाली है, जो कि दोस्तों आपकी सुंदरता को महत्व नहीं देंगे बल्कि आपके मन की सुंदरता को महत्व देती है। और यह जो औरत है दोस्तों, इस समय आपसे जुड़ने की पूरी प्रयास करने वाली है प्यार के रिश्ते में। जी हाँ दोस्ती, इस औरत की स्वभाव जो है काफी शांत स्वभाव की यह औरत है, और यह दोस्तों जिसके भी घर में रहती है उनका घर काफी माहौल उनका शांत रहता है। उनके घर में कभी दोस्तों झगड़े झंझट आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, और ऐसी स्त्री दोस्तों बड़ों का सम्मान करती है, छोटों को आशीर्वाद प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, यह जो स्त्री है आपकी जिंदगी में इस समय आने की पूरी प्रयास करने वाली है। यह दोस्तों दिखने में काफी आकर्षक होगी, शांत स्वभाव की होगी, और दोस्तों या स्त्री जो कि अपने घर के बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों से प्रेम करते हैं, और इनके अंदर धैर्य की कोई भी कमी नहीं है। और यह धार्मिक स्त्री भी है जो कि पूजा पाठ पर विश्वास भी रखती है ज्यादा तौर पर। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री इस समय आपके प्रेम में आकर्षित होकर आपसे जुड़ना चाहेंगे। इस स्त्री की पहचान आप इन्हीं गुणों से कर सकते हैं। साथ दोस्तों, आप इनकी पहचान स्पष्ट तौर पर इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोस्तों यह स्त्री जिस घर में रहती होगी उस घर का माहौल काफी शांत होगा। इनकी वजह से उस घर में कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा नहीं होता होगा। जी हाँ दोस्तों, और यह स्त्री जब आपके साथ में जुड़े तो दोस्तों इनकी वजह से आपके जीवन काल में
काफी सुख समृद्धि आने वाली है। यह स्त्री आपको दोस्तों मुश्किल समय में मदद भी करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह जो स्त्री है आपको जीवन काल में इस समय पसंद भी कर सकते है, और यह से जुड़कर काफी अच्छा महसूस करने वाली है, क्योंकि आप दोस्तों इनकी नजर में काफी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।